अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे विटामिन के बारे में बात करेंगे जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग अक्सर इसकी कमी का शिकार हो जाते हैं। हाँ, मैं बुनियादी तौर पर विटामिन डी के बारे में बात कर रही हूँ। विटामिन डी एक ज़रूरी गजाइत है जो हमारी हड्डियों, मसल्स और मुदाफ़ती निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी जिल्द सूरज की रोशनी से ये विटामिन तैयार करती है, लेकिन बहुत से लोग इसका शिकार हो जाते हैं। अगर आपको बार बार थकावट, हड्डों में दर्द या मूड में तब्दीली होती है तो ये विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। आज के तर्ज ज़िंदगी और घर के अंदर के मामूलात बहुत से लोगों के लिए ये विटामिन हासिल करना मुश्किल बना देते हैं। विटामिन डी के बहुत से फ़वाद हैं। ये हड्डियों और मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है, जिस्म को इन्फेक्शन से बचाता है, ये मूड और दिमागी सेहत को बेहतर बनाता है और कुछ तहकीक के मुताबिक कैंसर और दिल की बीमारियों का खतरा भी कम करता है। विटामिन डी हासिल करने के लिए सूरज की रोशनी में वक्त गुजारना ज़रूरी है। सुबह 10 से 30 मिनट काफ़ी है। विटामिन डी मछली, अंडे की जर्दी और मजबूत डेयरी मसनूआत जैसे खानों में पाया जाता है। अगर आप भी बुरा महसूस करते हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। आज हमने जान लिया कि विटामिन डी कितना ज़रूरी है दोस्तों, और इसका माखज़ क्या है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और विटामिन डी की ज़रूरियात को अपने जिस्म में पूरा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।